मलेशिया के बाद अब ओमान भी चारों खाने चित्त। एसीसी कप में नेपाल की दबंगई जारी। नेपाल के सूरमाओं ने किया ओमान के मंसूबे ध्वस्त। कुशल के तूफान ने ओमान का किया काम तमाम। सोमपाल की सुनामी में बह गए मेहमान। हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों, नेपाल और ओमान के बीच जो मैच हुआ था उसकी एक और वीडियो निकल के बाहर आई है, जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से जो नेपाल के क्रिकेटर्स हैं उनकी बैटिंग ने किस तरह से धमाल किया है, और कौन है वो क्रिकेटर्स और किस तरह की उनकी बैटिंग करी है। उनके नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो हम जानेंगे इस वीडियो में, और वीडियो के एंड में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उन क्रिकेटर्स के बारे में, उन बैट्समैन के बारे में और नेपाल की पूरी टीम के बारे में। और जो थंबनेल में लिखा है, थंबनेल में मैं आपको बता दूं क्या लिखा है। थंबनेल में लिखा है कि ओमान को धुलो पानी चट्यो नेपाली बहादुर ले, कुशल मल रह सोमान सोमपाल को बैटिंग लो तनाव। तो अब देखते हैं कि नाम तो अब आपको पता चल ही गया, थंबनेल के अंदर बता दिया कि कुशल मल और सोमपाल की जो बैटिंग है उन लोगों ने क्या धमाल मचाया, और टाइटल में भी लिखा गया है कि फिर उगली कुशल के बल्ले ने आग, सोमपाल ने भी ढाया कहर। नेपाल के आगे ओमान की टीम हो गई ढेर। तो चलिए देखते हैं क्या किया है इन लोगों ने, कैसी बैटिंग करी है, जानेंगे हम इस वीडियो में, वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 2 3 गो। मलेशिया के बाद अब ओमान भी चारों खाने चित्त। एसीसी कप में नेपाल की दबंगई जारी। नेपाल के सूरमाओं ने किया ओमान के मंसूबे ध्वस्त। कुशल के तूफान ने ओमान का किया काम तमाम। सोमपाल की सुनामी में बह गए मेहमान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का नेपाल सबसे उभरता सितारा है, ये बात एक बार फिर तय हो गई। एसीसी प्रीमियर कप में नेपाल की दबंगई लगातार जारी है। पहले मलेशिया को चारों खाने चित्त किया, फिर ओमान जैसी टीम को भी धूल चटाकर नेपाल ने अपनी दबंगई फिर साबित कर दी। नेपाल के क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें आज के मैच में टिकी हुई थी। हर कोई टकटकी लगाकर इस मैच का इंतजार कर रहा था। हर किसी को उस पल का इंतजार था जब नेपाल और ओमान की टीमें मैदान में उतरेंगी। लेकिन मैदान में उतरने के साथ ही नेपाल ने विरोधियों पर कहर ढाना शुरू कर दिया। ओमान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी नेपाल की टीम ने 310 रनों का अंबार खड़ा करके ओमान के हौसले पहले ही पस्त कर दिए। एक बार फिर नेपाल का स्टार बल्लेबाज कुशल मल्ला जमकर चमका। कुशल मल्ला की आठवीं शतक की बदौलत नेपाल ने एक विशाल स्कोर खड़ा कर लिया। कुशल मल्ला ने महज 64 गेंदों में 108 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसमें 10 चौके और 9 छक्के शामिल थे। कुशल मल्ला का साथ सोमपाल ने भी खूब दिया। सोमपाल ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में 63 रन की नाबाद पारी खेली। नेपाल की तरफ से करण केसी ने भी 15 गेंदों में तेज 29 रन बनाए। नेपाल की शुरुआती बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही और कुशल भोरतेल और आसिफ शेख दोनों शून्य पर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद भीम सरकी और रोहित पौडेल ने पारी को संभाला। सरकी ने 56 गेंदों में 33 रन और रोहित पौडेल ने 34 गेंदों में 23 रन बनाए। तो वहीं आरिफ शेख ने भी 43 गेंदों में 29 रन की बहुमूल्य पारी खेलते हुए टीम को संभाला। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए कुशल मल्ला ने कोहराम मचा दिया। ओमान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। मैदान के चारों तरफ जबरदस्त शॉट्स खेले और शतक जड़ दिया। मलेशिया के खिलाफ भी कुशल मल्ला ने शानदार पारी खेली। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी ओमान की टीम के सामने 311 रनों का विशाल लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की टीम को संदीप लामिछाने ने उबरने ही नहीं दिया। 25 रन के स्कोर में कश्यप को चलता किया तो गेंदबाज ललित ने जतिंदर सिंह को 15 रनों पर क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद आए कप्तान भी सस्ते में चलते बने। शून्य में जीशान मकसूद को संदीप ने अपना शिकार बनाया।
नदीम जरूर नेपाली गेंदबाजों का कुछ प्रतिरोध करते हुए नजर आए और 84 गेंदों में 65 रन की एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन वो भी ओमान को मैच जिताने में नाकामयाब रहे। आखिरकार नेपाल ने ओमान को पूरी तरह से पराजित कर दिया। ओमान की पूरी टीम महज 226 रन पर ढेर हो गई। नेपाल के बल्लेबाजों के साथ साथ नेपाल के गेंदबाजों ने भी जमकर कहर ढाया। इसमें संदीप लामिछाने और करण केसी ने 3-3 विकेट लिए, दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 2 और ललित ने 1 विकेट लेकर ओमान का काम तमाम कर दिया। ओमान को पराजित करने के साथ ही नेपाल का एसीसी प्रीमियर कप के सेमीफाइनल में पहुंचना तय हो गया। अस्तित न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। जैसा कि यार ये वीडियो हमने देखी, पूरी वीडियो, और इसके अंदर बताया गया कि किस तरह से जो नेपाल के क्रिकेटर्स हैं, जो नेपाल के बैट्समैन और बॉलर दोनों हैं, उन लोगों ने किस तरह से नेपाल को संभाला। स्टार्टिंग में जब नेपाल की टीम उतरी तो जो कि ओपनर थे वो ज़्यादा खास नहीं कर पाए थे, लेकिन बाद में फिर आते हैं भाई साहब सोमपाल मल्ला। सोमपाल मल्ला ने इतनी तगड़ी पारी खेली कि मतलब 108 रनों की पारी, शतक लगा दिया, अपना सेंचुरी कंप्लीट करी ओमान के खिलाफ, और इनका साथ दिया जो सोमपाल जी हैं, सोमपाल जी ने इनका साथ दिया और इन्होंने भी अर्धशतक मारा। मतलब 50+63 रन के अराउंड इन्होंने रन बनाए थे अपने, लेकिन बाद में सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन ही नहीं है जो एक टीम को सपोर्ट करते हैं, बॉलर्स भी होते हैं। अगर बॉलर्स अच्छे नहीं हों तो फिर ओमान की टीम तो कितने भी रन मार सकती है। ओमान की टीम नहीं, कोई भी टीम हो अगर वो खेल रही है और किसी सामने वाली टीम के बॉलर्स अच्छे नहीं है तो वो तो धड़ाधड़ चौके छक्के मारते रहेंगे। लेकिन नेपाल के पास थे संदीप लामिछाने और करण केसी, तो भाई साहब इन लोगों ने जो बॉलिंग करी है ना, दोनों ने 3-3 विकेट उखाड़ दी। फिर बाद में और भी इनके पास बॉलर थे, किसी ने 2 विकेट लिया, किसी ने 1 लिया, लेकिन जिस तरह से संदीप लामिछाने का नाम उभर के आ रहा है हर एक मैच में, वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम को, भाई साहब बहुत ही मतलब गजब है। अब इस चीज़ को लेकर के हम ये मतलब कोई भी बंदा एकदम प्राउडली कह सकता है, फुल्ली कॉन्फिडेंट होके बोल सकता है कि नेपाल जो है वो फाइनल में जाएगा और एसीसी कप जीत के ही आएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इससे रिलेटेड और कोई वीडियो है तो उसका लिंक भी आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टा फेसबुक मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।